यहाँ पे चढ़ना है दोस्तों, वहाँ पे 144 लगा दिया है। अरे तो सच में ही देखे वहाँ का सीन देखो भाई, कुछ भी दिख नहीं रहा है आगे। हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे, और आज मैं आप लोग को लेके आया हूँ कोरीगढ़ फोर्ट, जो कि महाराष्ट्र का एक सबसे इजी और सबसे कम समय वाला ट्रैक है। अभी मैं उतरा हूँ कोरीगढ़ का जो बस स्टैंड है वहाँ पे, लुनावाला से हम लोग आए यहाँ पे डायरेक्टली। दोस्तों देखो, वीकेंड के दिन आओगे ना तो आपको यही देखने को मिलेगा, भीड़ देखो कितना सारा है, ये सब कोरीगढ़ के लिए आए हैं। इस चारों ओर देखो आप, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखेगा सिर्फ। लोनावला का बस डिपो से आपको सुबह को 9:30 बजे बस मिलेगा पेट शाहपुर के लिए। पेट शाहपुर का बस पकड़ना है और उनको बोलना है बस कि कोरीगढ़ उतरना है, तो वो आपको कोरीगढ़ के यहाँ पे छोड़ देगा। ये कोरीगढ़ फोर्ट लोनावला से बस 23 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन यहाँ पे आना ना बहुत मुश्किल है भाई। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि आपके पास दो ही ऑप्शन है यहाँ पे आने का। देखो, एक आप बस से आ सकते हो, नहीं तो आपको प्राइवेट कैब बुक करना पड़ेगा। अगर आप बस से आ रहे हो तो पहला बस जो है ना वो 9:30 बजे सुबह को है, उसके बाद बस नहीं है, उसके बाद डायरेक्टली 12:30 बजे बस है। और अगर बस नहीं है तो आपको कैब से आना पड़ेगा। कैब के लिए आपको 3,000 रुपये देना है, वो भी डबल, मतलब दोनों रूट का मिला के 1500 जाने का, 1500 आने का। देखो, हम लोग को यहाँ पे चढ़ना है दोस्तों। वैसे आज ना सवेरे से हम लोग, मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स लोग सवेरे से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। फाइनली स्टार्टिंग में तो हम लोग गए थे खोपोली का केपी वाटरफॉल देखने, जो रेलवे ब्रिज वाला वाटरफॉल है, फेमस हुआ था वो वाटरफॉल देखने गए थे। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे 144 लगा दिया है, मतलब बैन है अभी वो। 15 अगस्त के बाद ही वो वाटरफॉल जो है वो चालू होगा। तो वहाँ से हम लोग लोनावला आए, और लोनावला से हम लोग ने डिसाइड किया कि कोरीगढ़ फोर्ट जाते हैं, क्योंकि कोरीगढ़ फोर्ट एक तो इजी ट्रैक है बहुत ही, 1.5-2 घंटे, 1 से 1.5 घंटे का ट्रैक है और जल्दी हो जाएगा हम लोग को। इसका सींग देखो भाई, कितना बड़ा है, मेरे हाथ से बड़ा है। अरे बाप रे, कितना खूबसूरत लग रहा है इसका सींग भी। यहाँ पे एक है, वहाँ पे एक है। तो दोस्तों, कुछ देर पत्थरों वाला रास्ता चढ़ने के बाद ना आपको ऐसे सीढ़ियाँ आ जाएंगे, तो इसलिए इसको इजी ट्रैक में से एक कहा जाता है। दोस्तों वैसे अभी तो ज़्यादा बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन जब ज़्यादा बारिश होता है ना तब ये सीढ़ियों के ऊपर से ऐसा पानी बहता है, बहुत खूबसूरत लगता है दिखने में। अभी तो बिल्कुल भी, देखो ऐसा बहता है पानी ऊपर से, देखो ऊपर से अभी पानी आ रहा है धीरे धीरे, शायद ऊपर पहाड़ों के ऊपर बारिश हुआ है। लेकिन ऐसा जब ज़्यादा बारिश होता है ना तभी ऐसा पूरा पानी आता है, और बहुत बहुत ज़बरदस्त लगता है दिखने में। सीढ़ियों से जब भी ऊपर आओगे ना तभी यहाँ पे आपको एक गुप्त गुफा दिखेगा, ये देखो, ये है गुप्त गुफा, इसके अंदर हम जाते हैं थोड़ा। यहाँ पे तो वैसे अंदर कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा अंधेरा है, कोने वोने में सांप वाप रहेगा तो निकलो भैया ऐसे। यहाँ पे एक मंदिर भी है, ये है गणपति जी का मंदिर। मुझे जूता उतारना पड़ेगा, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। सच में ही देखे वहां पर बच्चों को खतरे में।
दोस्तों वो साइड से चढ़ने के बाद ना एक नीचे मैंने आपको गुफा दिखाया और यहाँ पे एक गुफा है, ये देखो यहाँ पे कुछ पानी का टांकी है पीने के लिए, ये साफ सुथरा है, अंदर का पत्थर भी दिख रहा है, यहाँ से बहुत साफ सुथरा पानी है। यहाँ पे एक गुफा है, अभी हमें ऊपर चढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग आधा से ज़्यादा क्रॉस कर गए, अभी ये बस यहाँ पे पहुँचना है हम लोग को। दोस्तों वो साइड मैंने आगे एक गुफा दिखाया था, अभी यहाँ पे भी एक गुफा है, टोटल हम लोगों ने तीन गुफा देख लिया यहाँ पे, ये देखो ये गुफा है यहाँ पे, और इधर से ना ये शायद टूट के गिरा है यहाँ पे, ये शायद यहाँ पे टूट के गिरा है, धस गया है, मतलब यहाँ का ये जो मिट्टी है थोड़ा सा कमज़ोर है, यहाँ पे खड़ा रहने नहीं रहने का ज़्यादा देर टाइम। काफ़ी सारे किलों का तो नामो निशान मिट गया, लेकिन ये कुछ ये किलों में अभी तक थोड़ा बहुत नामो निशान है इसका, इस किले का जो मेन मुख्य दरवाज़ा है वो अभी तक बचा हुआ है, और ये किले का कुछ हिस्सा अभी तक है, वहाँ पे एक झंडा भी है। तो ये जो है ये किले का ऊपरी हिस्सा है, देखो मैं यहाँ कहाँ से चल रहा हूँ, इसके ऊपर से चल रहा हूँ, गिरा तो नीचे जाऊँगा डायरेक्ट। ये किले का कुछ हिस्सा अभी तक बचा हुआ है जो काफ़ी अच्छी बात है, इसके ऊपर जाता हूँ मैं। ये देखो हम पहुंच गए टॉप पे। इस किले का मैं कहानी बता देता हूँ आपको, 1657 में छत्रपति शिवाजी महाराज जो विजापुर लोहागढ़ तिकोना ये जो फोर्ट्स है ये सारे किलों के साथ साथ इस किले को भी अपने नाम कर लिया था। उसके बाद 1818 में कर्नल प्रोथर ने इस किले पर हमला किया था, तीन दिन तक लड़ाई चला था। उसके बाद प्रोथर ने क्या किया कि अपना एक तोप से यहाँ का जो गोला बारूद जहाँ पे रखा जाता था उसी स्टोर रूम में हमला कर दिया और सारे गोला बारूद ख़त्म हो गए, तो तब से वो किला जो है ब्रिटिश के हवाले हो गया। वैसे ऊपर के साइड में अभी हम लोग जाएंगे, उधर कुछ तोप वगैरह भी रखा हुआ है, और ये किले का तो मेन मुख्य दरवाज़ा है यहाँ पे हम लोग जो अभी अंदर आए यहाँ से, बाकी हम लोग ऊपर जाएंगे वो साइड में जाएंगे, और यहाँ पे पूरा चारों ओर कोहरा है इसलिए कुछ क्लीन नहीं दिख रहा है साफ। यही आप अगस्त के मंथ में आओगे ना तो ये जो ये कोहरा जो अभी है ना अगस्त के मंथ में ये कोहरा नहीं रहेगा, और तभी ये जो व्यू दिखेगा ना बहुत खूबसूरत व्यू दिखेगा, अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इस किले के ऊपर तो दो तालाब है दोस्तों, एक तालाब तो यहाँ पे है और एक तालाब पता नहीं किधर है। दिखाई नहीं दे रहा है, देखो अभी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक घर है। और दोस्तों ये ऊपर चढ़ने के बाद ना यहाँ पे एक मंदिर भी है, ये कोराई माता मंदिर है, ये देख लो, और वो साइड में तोप भी रखा हुआ है, वो भी मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा।
यहाँ पे बैठने के लिए जगह भी है, बैठ भी सकते हो आप। और ये हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पे ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ पे आग लगाता था और यहाँ से धूम करके निकलता करते थे, इतना बड़ा गोला। तब से लेके अभी तक ये ऐसे ही है। वाह, तो पर बैठने का नहीं है, यहाँ पे लिखा है बैठो मत। दोस्तों यहाँ पे दो या तीन तालाब है, पता नहीं, एक तो मैं पहले दिखाया, एक इसके पीछे है और एक ये वाला तालाब है। ये वाला तालाब सबसे बड़ा है। चारों ओर कोहरा है, चारों ओर मतलब कुछ भी दिख नहीं रहा है आगे, बस यही तक आसपास तक दिख रहा है और उसके आगे तो दिख ही नहीं रहा है। अरे ये कोहरा हट जाता तो ये जगह इतना खूबसूरत है ना, मैं क्या बताऊँ। गोरीगढ़ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। इसलिए जब भी अगर आप लोग आओ ना, तो सेप्टेम्बर के मंथ में आओ, तो ये कोहरा नहीं रहेगा उस टाइम और चारों ओर का ग्रीनरी आप देख पाओगे आराम से। क्लीन नहीं हो रहा है। एक अच्छा सजेशन दूंगा कि आप सितंबर के मंथ में आओ, तभी बादल इतना नहीं रहेगा तो पूरा क्लीन दिखेगा, बहुत खूबसूरत लगता है यार। और इस पे ना यहाँ से वो लेके पूरा आप वहां तक चल सकते हो आगे तक, और ये पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो उस टाइम। देखो अभी कोहरा थोड़ा सा आ रहा है, अभी थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है। किले का जो है ना, इस किले का बालकनी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो जब भी आओगे तो बालकनी के साइड से बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। दोस्तों ये जो दिख रहा है ना आपको, जमाने में जब किले पे हमला होता था ना, तो यही से किले के रखवाले बंदूक और तीर धनुष से हमला किया करते थे। ये सब कितना काई जमा हो गया है इधर। तो दोस्तों ऊपर का सारा हम लोगों ने घूम लिया, पूरा तो नहीं घूम पाए क्योंकि चारों ओर कोहरा भरा था, तो हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था आगे का। तो अभी वैसे भी 5:30 से ऊपर हो गया है और हम लोग को दूर जाना है भाई, मुझे विरार जाना है। और ये ब्लॉग जो है कैसा लगा वो ज़रा कमेंट करके बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कुछ भी क्वेरी वगैरह हो ना तो पूछना, मैं तो हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। तो मैं ये ब्लॉग जो है यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और टेक केयर। हाय, हेलो, अभी चढ़ रहे हो आप लोग? हिंदी। वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई, ओके। आई एम फ्रॉम मुंबई। Cool. Yeah. दोस्तों अगर आप बस से आ रहे हो कोरीगढ़ लोनावला से, तो एक बात मैं बता देता हूँ कि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, क्योंकि अगर आप लोनावला से कोरीगढ़ आ रहे हो ना, तो फर्स्ट बस जो है वो 9:30 सुबह को है, उसके बाद 12:30, उसके बाद शाम को है तकरीबन 4:30, मतलब पूरे दिन भर में 3 से 4 ही बस चलता है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो इससे बेटर है कि प्राइवेट कोई कैब वगैरह बुक करो और आओ आराम से। दोनों तरफ का भाड़ा वो लोग एक साथ ले लेते हैं, और अगर बस से आ रहे हो और बस से जाने का सोच रहे हो रिटर्न, तो भाई फ्रीक्वेंसी ना के बराबर मिलने वाला है। हम लोग बस से आए थे और अभी हम लोग सोच रहे कि बस मिल जाएगा रास्ते में, लेकिन बस एक भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग अभी कोरीगढ़ से डायरेक्ट लायंस पॉइंट जो है वहाँ तक हम लोग पैदल जा रहे हैं, और लायंस पॉइंट से अगर देखेंगे कि वहाँ पे कोई शेयरिंग वगैरह मिलेगा तो वहाँ से जाएंगे।
नहीं तो इधर तो एक भी शेयरिंग वगैरह कुछ नहीं मिल रहा और बस वगैरह कुछ नहीं है। तो भाई अपने रिस्क पर आओ अगर बस से आ रहे हो तो।